नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को शुभ फलदायिनी मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है और साथ ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। तो चलिए मित्रों, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हे मुरली मनोहर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अत मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, इसको सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ, पर प्रिय युधिष्ठिर, तुमको इस व्रत कथा का पुण्य तभी प्राप्त होगा जब तुम इस कथा को प्रसन्नचित होकर सुनो और पूरा सुनो। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं पूरी कथा मन लगाकर श्रवण करूंगा, आप कथा शुरू करें। श्री कृष्ण कहने लगे, एक समय की बात है, गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे यह स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न के बारे में सुनाया। उसने ब्राह्मणों से कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त करा। हे ब्राह्मण देवता, जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिसे करने से मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। राजा कहने लगा कि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वो होता है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, और वह एक पुत्र हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते,
उसी प्रकार एक अच्छा पुत्र भी अपने सभी पुरखों का उद्धार कर देता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे, आप उनसे विचार विमर्श करें। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी व्रत का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, और यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। यह थी मोक्षदा एकादशी की कथा। बोलिए मित्रों, श्री मन नारायण नारायण हरि हरि, श्री मन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।